नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चालबाज चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। विस्तारवादी सोच पर चल रहे चीन को बार बार हिंदुस्तान के हाथों पिटने की आदत हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और भारतीय सेना हर बार उसे खदेड़ रही है। चीन ने लगातार 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की और भारत के साथ चीन जहां दिन के उजाले में शांति वार्ता कर रहा था तो वहीं रात के अंधेरे में ब्लैक टॉप की ओर उसके सैनिक भी पड़ रहे थे, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन की तरफ से ये हरकत उस वक्त हुई जब कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाके में तैनात किया तो चुशूल और डेमचोक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की और पेंगोंग झील पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक रुख बनाए रखी है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी कि ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात हैं। 29-30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया। ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूदा चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ फेंका है। भारत ने चीन को साफ साफ कह दिया है कि अपने सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखें। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर लिया है। लद्दाख के हालात पर दिल्ली में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई और बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शामिल हुए। तो इस बैठक में ये तय किया गया कि चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए भारत एलएसी के पास सभी संवेदनशील इलाकों में आक्रामक रुख बरकरार बनाए रखे। चीन के विदेश मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चीन ने किसी भी देश की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। China, since the founding of New China, China never provoked any war or conflict and never occupied an inch of other country's territory. China border troops always strictly abide by the LAC and never cross the line. Perhaps there are some communication issues. I think both sides should stick to facts and have goodwill in maintaining the overall bilateral relations and take concrete measures to jointly safeguard peace tranquility along the border. We noticed that for some time in India, there have been many media reports about increased military along the border. I think people of the two countries want to live peacefully together, and such Indian media reports are not consistent with people's aspiration. We hope the Indian side will take China's concerns seriously and make concrete contributions to peace and tranquility and development of bilateral relations. तो भारत अपनी तरफ से बॉर्डर पर मुस्तैद है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल और भारत तिब्बत बॉर्डर पर भी सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया है और तो और भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन से एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है और ना ही अपनी जमीन पर किसी घुसपैठ को बर्दाश्त करने वाला है। चीन को पीएम मोदी का बयान भूलना नहीं चाहिए। और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है, दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। 14 कोर की जाबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी।